गुजरात के पाटन में जोरदार बारिश के बाद घरों में पानी घुस गया। हालात ये हो गए कि लोगों का सामान पानी में तैरता दिखाई दिया। पाटन में दो घंटे में करीब 5 इंच बारिश हुई, जिसकी वजह से घरों में कमर तक पानी भर गया, जिसमें लोग रहने को मजबूर हो गए। सड़कें भी पानी में डूब गई। लोगों का सामान भी बारिश के पानी में खराब हो गया, जिसकी वजह से लोगों को खाने पीने की समस्या भी हो गई, साथ ही साफ पानी भी नहीं मिल सका। पांच इंच बारिश की वजह से कहीं ना कहीं पाटन के हाल बेहाल हो गए हैं। कई जगह ऐसी है जहां पूरी की पूरी पानी में बह गई है। तो कई हम यहां पे खड़े हुए हैं, वो दत्तात्रेय सोसाइटी है, जिस सोसाइटी के अंदर 2 फीट से लेकर 4 फीट तक पानी घरों के अंदर घुस गया है। देखने वाली बात यह है कि आज जैसे ये 5 इंच बारिश आई है और ऐसे हाल है, तो आने वाले दिनों में और भी बारिश आएगी, ऐसा प्रशासन का कहना है। तो आने वाले टाइम पे क्या हालत होगी वो भी एक देखने वाली बात है। ये कैसे हाल हुआ? ये सुबह 11 बजे तक बारिश चालू हुआ था, शाम को 4 बजे तक बारिश हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे पूरे घर में 5 फुट पानी भर गया है। हमारा टीवी, फ्रिज, हमारा अनाज बिगड़ गया है। हमारे बाल बच्चे भी अभी सो गए, नहीं खाया हुआ नहीं है। और नगर पालिका के ऑफिसर भी हमारा देखो सोसाइटी में देखने भी नहीं आ रहे कि क्या हाल है क्या नहीं है। बस रखा भी बोलते हैं, कब जैसा कब करते भी नहीं है, कुछ काम करते नहीं हमारे लिए। देश के कई इलाकों में आसमान से बरस रही आफत बरस रही है। बेरहम बाढ़ ने आधे देश में कोहराम मचा दिया है। बादलों से बरस रही आफत थमने की जगह और तेज होती जा रही है। पहाड़ों से लेकर जमीन तक जल प्रलय लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। कुदरत के कहर से कांप उठे शहर। कहीं सैलाब में समाया ट्रक, मरी क्या तूफान क्या, कहीं बीच मझधार में फंसी जान, ये सैलाब के सितम की वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड और बिहार से दिल को दहला देने वाली ऐसी तस्वीरें सामने आई। यहाँ एक वैन सैलाब को चीर कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लहरों की रफ्तार ने इस वैन को एक झटके में डील लिया। बताया जा रहा है कि वैन का ड्राइवर भी इस खौफनाक सैलाब को चुनौती देकर आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन पानी के तेज बहाव के आगे न उसका बस चला और न ही मशीन की ताकत कुदरत पर भारी पड़ सकी। देखते ही देखते ये वैन सैलाब में बह गई, जबकि वैन में मौजूद 3 लोगों को रस्सी के सहारे बमुश्किल सुरक्षित निकाला गया। लहरों का ये शोर किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा डरा सकती है आपको वो कहानी जिसे इस उफनते हुए दरिया में लिखा गया। दावा किया जा रहा है कि खिलचीपुर में बहने वाली इस गंगा में 2 लोगों ने सैलाब से मुकाबला करने की ठानी थी। कुदरत को हराने के चक्कर में यह शर्त इन्हें इतनी भारी पड़ गई कि एक शख्स की जान को बमुश्किल बचाया जा सका, जबकि दूसरे शख्स का कोई पता ही नहीं चला। दरअसल रामबाबू और ओम प्रकाश नाम के 2 लड़कों ने इन लहरों को पार करने की शर्त लगाई थी। खुद को कुशल तैराक साबित करने के चक्कर में दोनों ने इस उफनते दरिया में छलांग लगा दी, लेकिन लहरों की ताकत के आगे इनके बाजुओं की ताकत नहीं चली। इस दौरान जैसे तैसे राम बाबू को तो किनारा मिल गया, लेकिन ओम प्रकाश नाम के शख्स का कोई पता ही नहीं चला। एक बार फिर देखिए कि कैसे कुदरत की ताकत को चुनौती देने की इन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। ये एक ऐसा डराने वाला लम्हा है जिसे देख कर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। शर्त लगाने के लिए नहाने के लिए कूदे शर्त लगाकर, तो उसमें से
राम बाबू तो आगे तैर के निकल गया, किंतु ओम प्रकाश माली ने आगे बह गया जो मेरा नहीं है। कुदरत की ताकत से पार पाना किसी के बस की बात नहीं, लेकिन राजगढ़ से आई ये तस्वीरें बताती हैं कि लहरों को चुनौती देकर किसी इंसान की जान कैसे बचाई जाती है। दरअसल तलेन थाना क्षेत्र के गांव में दो मासूम और एक बुजुर्ग सैलाब के बीच फंस गए थे, जिन्हें इस सैलाब के बीच से निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन तलेन थाना प्रभारी और उनकी टीम ने कंधे तक पानी के बीच जाकर तीनों को सुरक्षित निकाल लिया। इस दौरान उगली नदी का पानी इनके पैरों को उखाड़ सकता था, लेकिन सही रणनीति और ठोस इरादों की वजह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा सका। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें इंदौर के चौथराम इलाके की हैं। लाल कपड़ों में ये शख्स तूफानी लहरों के बीच जूझ रहा है। पानी का तेज बहाव कभी भी इसके पैर उखाड़ सकता है और ये सैलाब के साथ बह सकता है, लेकिन एक जाली के सहारे ये अपनी जान बचाए हुए है। इस दौरान इस शख्स को बचाने के लिए खुदाई करने वाली एक मशीन को उफनते पानी के बीच पहुंचा दिया जाता है और आखिरकार रस्सी की मदद से इसे उफनते पानी के बीच से सुरक्षित निकाल लिया जाता है। रात को 2 बजे से और सुबह 6 बजे तक जाली के ऊपर ही चढ़ा रहा। जब हमें पता चला तो हमने जेसीबी वाले को बुलवाया और जेसीबी और रस्से डाल करके कैसे तैसे उसको बड़ी मुश्किलों से निकाला। थार में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली, जहां बरसाती नाला पार करते वक्त एक बाइक सवार पानी की तेज धार में बह गया। इस दौरान इस शख्स को कड़ी मशक्कत के बाद निकाला जा सका, लेकिन ये हादसा इस शख्स को जिंदगी भर का सबक जरूर देगा। चौबीस घंटे में 7 इंच बारिश ने उज्जैन शहर को हिला कर रख दिया। रामघाट, सिद्धवट घाट, केडी पैलेस, गड़गौर दरवाजा, एकता नगर और शांति नगर जैसे कई इलाके शिप्रा नदी में आई इस बाढ़ के जाल में फंस चुके हैं। शिप्रा नदी के रौद्र को ऐसे ही समझा जा सकता है कि सिद्धवट मंदिर के प्रांगण से होकर सैलाब का पानी गुजर रहा है। मंदिर के घंटे और तैलाब के बीच कुछ ही फासला बाकी है। दावा किया जा रहा है कि शिप्रा में आया ये उफान कई सालों का सबसे भयंकर उफान है। सैलाब की जद में आए करीब 20 परिवारों को प्रशासन ने सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया है। ये पहली बार है, पहली बार जो है पहली बार इतनी भयंकर आई। अच्छा, बार तो कई बार आती है, वो इससे बड़ी बड़ी आई। अच्छा, लेकिन पहली बार इतनी बड़ी पहली बार अपने जीवन में। अच्छा, 2 दिन पहले जो है पूरा जल संकट था। ये तस्वीरें गुजरात के नवसारी की है। अंबिका नदी में आए उफान की अनदेखी इस कार सवार पर भारी पड़ गई। लहरों को चीर कर आगे बढ़ने की कोशिश में गाड़ी के चक्के जवाब दे गए और ये कार हाहाकार करते सैलाब के बीच फंस गई। गनीमत रही कि कार में सवार दोनों लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। सुरेंद्रनगर में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। नदियों का ये उफान कई इलाकों में बेहद चुनौतियां लेकर आया है। पुल की कमी ने इन्हें अपनी जान को जोखिम में डालने पर मजबूर कर दिया है। रस्सी के सहारे अपनी जान को हथेली पर रखकर ये इस उफनते दरिया को पार कर रहे हैं। कभी भी यहाँ कोई बड़ा हादसा होने का खतरा है। गुजरात के पाटण में भी सैलाब के शिकंजे में कई परिवार फंस चुके हैं। सिद्धपुर इलाके में बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक जा पहुंचा है। महज 2 घंटे के भीतर 3.5 इंच बारिश ने बाढ़ के ऐसे हालात पैदा कर दिए कि शहरी इलाके की जिंदगी सैलाब के चक्रव्यूह में फंस कर रह गई। सबसे ज्यादा परेशानी का सामना लोगों को उस वक्त करना पड़ रहा है जब जरूरत के किसी सामान को लेने के लिए उन्हें इस दरिया से गुजरना पड़ता है। सैलाब सबसे ज्यादा मुसीबत पहाड़ी इलाकों के लिए लेकर आता है।
पिथौरागढ़ के मुनस्यारी से आई ये तस्वीरें उसी भयावह मुसीबत की बानगी है। लासपा गांव की इस महिला का पैर टूट चुका है और अस्पताल तक ले जाने के लिए इस पहाड़ी दरिया को पार करना है। लिहाजा आईटीबीपी के जवानों ने मोर्चा संभाला और महिला को अस्पताल तक पहुंचाने की ठान ली। इस दौरान जरा सी चूक किसी की भी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है, लेकिन इस बेहद खतरनाक दरिया और बेहद खतरनाक रास्ते को ये लोग अपनी जान पर खेल कर पार करा देते हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद लगातार पहाड़ों से भारी भरकम मलबा और पत्थर का आना बदस्तूर जारी है। इस समय हम कपकोट इलाके में हैं और कपकोट में ये जो आप सड़क देख रहे हैं पूरी तरह से मलबा जो है यहाँ पर, बताया जा रहा है कि कुछ दिन दो दिन पहले यहाँ पर मलबा आया था, जिसके बाद इसे हटाया गया और इस जो मार्ग है इसको सुचारू रूप से जारी किया गया, क्योंकि दो दिन पहले आए इस मलबे की वजह से जो कपकोट से पिंडारी ग्लेशियर को जाने वाला जो रूट है वो पूरी तरह से बाधित था। और इस तरह से यहाँ पर कई मार्ग ऐसे हैं जो अभी भी मलबे से अटे पड़े हैं, क्योंकि हमें भी यहाँ पर आने के लिए मना किया गया था कि आगे जो है इस तरह से भारी बारिश की वजह से पहाड़ गिर रहे हैं और जो नदी का जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये तस्वीरें कंसबती नदी की हैं। दो दिन से लगातार हो रही बारिश ने इस नदी को उफान पर ला दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 20 गांव को जोड़ने वाला ये अस्थायी पुल सैलाब की भेंट चढ़ गया। इतना ही नहीं, मनसुखा गांव के करीब झूमी नदी में आई बाढ़ भी इस अस्थायी पुल को अपने साथ बहा कर ले गई। इन दोनों पुलों के बह जाने की वजह से सैकड़ों की आबादी का एक दूसरे से संपर्क कट गया है। बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी का उफान सब कुछ लील लेने को आमादा है। सड़क, मैदान, खेत, खलिहान सब पर सैलाब का कब्जा। गंडक नदी की जद में आने वाले कई गांव इसी तरह डूबे हुए। सड़क से संपर्क कटने की वजह से नाव इलाके के लिए अकेला सहारा बची है, जबकि सैलाब का पानी अपनी हदों को पार कर लोगों के घरों तक में दाखिल हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि इस सैलाब की वजह से करीब 4 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक आपदा के वक्त खोज और बचाव अभियान जैसे बड़े काम के लिए एक कीड़े जितना छोटा रोबोट बनाया। दावा है कि इस रोबोट का आकार ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि ये उन इलाकों में भी घुस सकता है जहां इंसान के लिए पहुंचना नामुमकिन है। कीड़े की तरह दिखने वाले इस रोबोट का वजन महज 88 मिलीग्राम यानी चावल के 3 दानों जितना है, लेकिन इसके साइज पर मत जाइए, ये अपने वजन से 2.5 गुना से भी ज्यादा वजन उठा सकता है, वो भी 2 घंटों तक। ये चढ़ाई भी कर सकता है। आमतौर पर रोबोट बैटरी से चलते हैं और इसलिए भारी भरकम और बड़े होते हैं, लेकिन इस रोबोट को ताकत मिलती है मेथनॉल केमिकल से। दावा है कि ये रोबोट दुनिया के सबसे छोटे और सबसे हल्के रोबोट्स में एक है। सुशांत केस में 2 दिन की जांच के बाद आज सीबीआई रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है। सीबीआई रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के लिए समन भेजने की तैयारी में है। सीबीआई ने रिया से पूछताछ के लिए सवालों की लंबी लिस्ट भी तैयार कर ली है। इससे पहले सीबीआई ने सुशांत के घर पर जांच की, पहले सीबीआई ने सुशांत के फ्लैट के मालिक संजय लालवानी से पूछताछ की, फिर सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और दीपेश सावंत की मौजूदगी में एक बार फिर से क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में आज सीबीआई रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार से पूछताछ कर सकती है। आज सीबीआई ने पूरी तैयारी कर रखी है रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार से पूछताछ करने के लिए, और इसकी जमीन भी सीबीआई ने तैयार की है। पिछले 3 दिनों में सीबीआई ने जिस तरह से इसी गेस्ट हाउस में, जो कि डीआरडीओ और एयरफोर्स का गेस्ट हाउस है जहां पर सीबीआई ठहरी हुई है, यहीं पर सुशांत के करीबी दोस्तों और उनके करीबी स्टाफ से लगातार घंटों पूछताछ की है। और इतना ही नहीं, सुशांत का जो घर है वो वहां पर इन तीनों को, कुक नीरज सिंह, सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत को लेकर घर पर गई थी कल, और कल उन्होंने दोबारा से पूरे क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया था और उसे शूट किया था। महत्वपूर्ण चीज ये है क्योंकि सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती, उनके भाई सोबिक चक्रवर्ती और पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के साथ साथ सैमुअल मिरांडा, जो कि रिया के काफी करीबी बताए जाते हैं, इन चारों से पूछताछ के लिए तमाम सवालों की लिस्ट तैयार की है, जिसमें रिया चक्रवर्ती से इस बात की पूछताछ हो सकती है कि 8 जून को ऐसा क्या हुआ था
जिसके चलते रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़कर चली गई। इतना ही नहीं, सवाल ये भी होंगे कि क्या रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करती थी, उनका अकाउंट हैंडल करती थी, ये तमाम सवाल होंगे। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो होंगे कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के साथ उनका रिश्ता कैसा था, और क्या सुशांत सिंह राजपूत वाकई डिप्रेशन में थे, और डिप्रेशन में थे तो और 8 जून को जब उन्हें छोड़ के गई तो उनके परिवार को इन्फॉर्म उन्होंने क्यों नहीं किया। यूपी के जौनपुर में हुई झड़प में 3 लोगों की मौत हो गई। यूपी के जौनपुर में जमीन विवाद में हुई झड़प में 3 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर 16 लोगों को गिरफ्तार कर दिया। मध्य प्रदेश के देवास में 2 दिनों के अंदर 5 अलग अलग जगहों पर चोरी की घटनाओं से हरकत में आई पुलिस ने कई चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की। यूपी के गोंडा में भिखारीपुर सकरौर बांध का कटान रोकने के लिए इलाके के लोगों ने रामायण पाठ का आयोजन किया। यूपी के आगरा में एक आदमी का वहां खड़ी एक गाड़ी का शीशा तोड़ने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। बताया गया कि प्रॉपर्टी विवाद से गुस्साए आदमी ने दूसरे पक्ष की कार तोड़ दी। कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर उठ रहे सवालों के बीच कांग्रेस कार्य समिति की आज अहम बैठक होगी, जिसमें हंगामे के आसार हैं, क्योंकि पार्टी के 23 बड़े नेताओं ने सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखकर नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं। इस पत्र में नेताओं ने पार्टी की अगुवाई पर दुविधा खत्म करने, कांग्रेस कार्य समिति का चुनाव करवाने और पार्टी के संसदीय बोर्ड को सक्रिय करने की मांग की है। चिट्ठी में हालांकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तारीफ की गई है। चिट्ठी में राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, शशि थरूर, जितिन प्रसाद, वीरप्पा मोइली जैसे नेताओं के नाम हैं। पार्टी से निलंबित नेता संजय झा ने दावा किया है कि 24 से ज्यादा वरिष्ठ नेताओं के साथ ही करीब 300 छोटे बड़े नेताओं ने इस चिट्ठी पर हस्ताक्षर किए हैं। इस बीच पार्टी के 2 मुख्यमंत्रियों अमरिंदर सिंह और भूपेश बघेल जैसे नेताओं ने गांधी परिवार की अगुवाई में आस्था जाहिर की है। ऐसे हालात में कांग्रेस पार्टी का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कांग्रेस के वर्कर्स चाहते हैं कि जल्द अज जल्द कांग्रेस का रेगुलर प्रेसिडेंट भी बने, CWC का इलेक्शन भी हो और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कांग्रेस ताकत पर बने, ताकि भारतीय जनता पार्टी का और उन तमाम ताकतों का जो देश को गलत दिशा में ले जा रहे हैं मुकाबला कर सके। कांग्रेस में पार्टी नेतृत्व को लेकर चल रहे घमासान के बीच महाराष्ट्र कांग्रेस ने सोनिया गांधी से अध्यक्ष पद पर बने रहने की अपील की है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी सोनिया और राहुल गांधी की अगुवाई पर भरोसा जताया है, जबकि दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने राहुल गांधी को फिर कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग की है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी की अगुवाई में भरोसा जताया। कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष DK शिवकुमार ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस की अगुवाई करते रहने की अपील की। वहीं हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने 23 नेताओं की अगुवाई पर सवाल उठाए जाने की निंदा की और सोनिया और राहुल गांधी की अगुवाई में आस्था जताई। राहुल जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान संभालनी चाहिए और ये सिर्फ पार्टी के लिए नहीं, कांग्रेस पक्ष के लिए नहीं, तो देश के लिए भी जरूरत है राहुल जी की। राहुल जी एक समर्थ नेतृत्व है जो पार्टी को दे सकता है और जो पूरे देश को भी समर्थ नेतृत्व दे सकते हैं। कांग्रेस में चल रहे घमासान के बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट में लिखा कि यह समय कांग्रेस को एक मत होने का है, मत विभन्ना का नहीं। जिस परिवार ने देश की आजादी और उसके बाद जो देश के लिए त्याग और बलिदान किया है वो सर्वविदित है। मीडिया में जो कुछ भी आ रहा है मैं उससे सहमत नहीं हूँ। नेहरू गांधी परिवार के बिना कांग्रेस की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। सोनिया जी का नेतृत्व सर्वमान्य है। यदि सोनिया जी कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ना ही चाहती हैं, तो राहुल को अपनी जिद छोड़कर अध्यक्ष का पद स्वीकार कर लेना चाहिए। देश का आम कांग्रेस कार्यकर्ता और किसी को स्वीकार नहीं करेगा। वहीं राजस्थान के डिप्टी CM और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने ट्वीट में लिखा कि सोनिया गांधी और राहुल ने ये दिखाया है कि पार्टी और लोगों की भलाई के लिए त्याग करने का क्या मतलब होता है। अब सर्वसम्मति बनाने का समय आ गया है। जब हम एकजुट होंगे तो हमारा भविष्य और ज्यादा मजबूत होगा। ज्यादातर पार्टी कार्यकर्ता राहुल को पार्टी की अगुवाई करते देखना चाहेंगे।
वहीं कांग्रेस में चल रहे घमासान पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी ने दावा किया कि कांग्रेस का ड्रामा 10 जनपद के इशारे पर हो रहा है। कांग्रेस नेताओं की लिखी चिट्ठी और कांग्रेस अगुवाई पर उठाए जा रहे सवालों पर पार्टी नेता संजय निरुपम भड़क गए। उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी पर सवाल उठाए और सीडब्ल्यूसी के सदस्यों का इस्तीफा मांगा। संजय निरुपम ने ट्वीट में लिखा कि आखिर सोनिया जी इस्तीफा क्यों दे, सीडब्ल्यूसी के सारे सदस्य एक साथ इस्तीफा देकर किनारे क्यों नहीं हटते। 2019 के लोकसभा चुनावों में हार की जवाबदारी लेकर राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया, क्या कांग्रेस कार्यकारिणी की जवाबदारी कुछ नहीं है? सीडब्ल्यूसी सदस्यों ने अब तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में नदियों पर बनाए गए बांस के कई पुल पानी में बह गए, जिससे करीब 50 गांव के लोगों का दूसरे इलाकों से संपर्क टूट गया। वहां तेज बारिश की वजह से इलाके की कई नदियां उफान पर हैं। उनमें एक झूमी नदी भी है जिस पर बांस और लकड़ी के बने कई पुल पानी में समा गए। मेदिनीपुर के मनसुखा से सामने आई तस्वीरों में कुछ लोग बांस के बने एक पुल पर खड़े दिखे, जबकि कई लोग नदी के दोनों किनारों पर थे। नदी में पानी का तेज बहाव था, पुल का एक हिस्सा टूटकर पानी में बह चुका था। लोग दहशत से भरे थे, लोगों को पुल के टूटने का अंदेशा था और फिर वही हुआ। देखते ही देखते बांस और लकड़ी की मदद से बनाया गया करीब 50 मीटर लंबे पुल का एक बड़ा हिस्सा पानी की लहरों के साथ बह गया। इतना ही नहीं, मेदिनीपुर के ही एक दूसरे इलाके डोमघाट में भी ऐसा ही हादसा पेश आया। वहां से आई तस्वीरों में भी एक पुल के कंसावती नदी के पानी में बहने का बिल्कुल वैसा ही मंजर दिखा जैसा पहले वाले पुल के साथ हुआ। बांस का बना पुल पानी की तेज लहरों को झेल नहीं पाया और टूट कर धीरे धीरे नदी में समा गया। किनारे पर खड़े लोग कुछ दूर तक पुल को पानी में बहते हुए देखते नजर आए। राजस्थान में कई जिलों में भारी बारिश और नदियों में उफान की वजह से कुछ गाड़ियां पानी में बह गई। वहां तेज बारिश और बाढ़ की वजह से कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया, जिसका एक डरा देने वाला वीडियो बांसवाड़ा से आया, जिसमें एक पुल के ऊपर से बह रहे नदी के पानी में ट्रक बह गया। ट्रक का ड्राइवर पानी की तेज लहरों के बीच ट्रक को तेजी से निकालने की कोशिश कर रहा था, तभी तेज बहाव के बीच ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया और ट्रक देखते ही देखते नदी में समा गया। पानी में गिरने के बाद ट्रक का पता तक नहीं चला, जबकि ड्राइवर और उसका एक साथी जान बचाने के लिए नदी में कूद गए। इसके बाद दोनों किनारे पहुंचने के लिए पानी में तैरते दिखे। डूंगरपुर से भी एक ऐसी ही हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक भारी भरकम क्रेन भी उफनती नदी के सामने नहीं टिक पाई और देखते ही देखते नदी में बह गई। ये क्रेन वहां बन रहे एक पुल के काम में लगी थी और अचानक नदी का बहाव तेज होने की वजह से वो बह गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। हादसे के वक्त क्रेन में ड्राइवर समेत कई दूसरे मजदूर भी थे। उत्तराखंड के खटीमा में कोरोना के रैपिड टेस्ट पर सवाल उठे। उत्तराखंड के खटीमा में व्यापारियों ने कोरोना के लिए होने वाले रैपिड टेस्ट पर सवाल उठाए और इस टेस्ट को करवाने से इनकार कर दिया। यूपी के बलिया में एक मगरमच्छ के गांव में घुसने से लोग दहशत में आ गए। हालांकि गांव के कुछ लोगों ने साहस दिखाते हुए मगरमच्छ को रस्सी से बांध दिया, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने मगरमच्छ को पकड़कर घाघरा नदी में छोड़ा। बिहार के औरंगाबाद में अद्री नदी पर बना पुल पानी के तेज बहाव से टूट गया, जिसके बाद कई गांव के लोगों को आने जाने में मुश्किलें बढ़ गई। उत्तराखंड के चमोली जिले में पहाड़ का हिस्सा गिरने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। हालांकि हादसे से पहले ही वहां तैनात अधिकारियों ने गाड़ियों को रोक दिया, जिससे मलबे की चपेट में कोई नहीं आया। कर्ज में मिले पैसे और दान में मिले हथियारों के दम पर ताकतवर नहीं बना जाता, लेकिन इमरान खान को ये बात कहां समझ में आने वाली। उन पर तो बस एक ही जुनून सवार है, बस किसी तरह भारत को जंग के मैदान में चुनौती देना। इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। हालत यह है कि इमरान खान ने हथियारों के लिए अपने देश पाकिस्तान को चीन के हाथों बेच दिया है।
जंग की तैयारी में जुटा पाकिस्तान। चीन की धरती पर रची गई साजिश। एलओसी पर है बड़े धमाके की तैयारी। टैंक से लेकर मिसाइल तक होंगे तैनात। चीन पाकिस्तान को लेकर अभी तक की ये सबसे बड़ी साजिश का पर्दाफाश है। इमरान खान के खौफ का ये सबसे बड़ा सबूत है। भारत से डरकर इमरान खान शी जिनपिंग के चरणों पर गिरे जा रहे हैं और चीन खुद भारत के बढ़ते रसूख और बढ़ती ताकत से खौफ खाए बैठा है। लेकिन क्या करें, भारत से मात खाकर भी चुप तो नहीं बैठ सकते। लिहाजा पाकिस्तान ने चीन से मिलकर भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है, जिसे अंतिम रूप दिया गया पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की चीन यात्रा के दौरान। पाकिस्तान पहले से ही चालबाज था, लेकिन चीन का साथ पाकर पाकिस्तान और ज्यादा शातिर हो गया है। पाकिस्तान भारत की ताकत को समझता है, इसलिए खौफजदा है और डर कर अब वो छुप कर नई साजिश बना रहा है। और ऐसे में चीन से वो अपनी सेना के लिए हथियार भी मांग रहा है और चीन भी पाकिस्तान को हथियार देने के लिए तैयार हो गया है। हथियारों के लिए चीन और पाकिस्तान ने चोरी छुपे एक समझौते को अंजाम दिया है। समझौते के तहत पाकिस्तान को चीन से 2035 तक कई हथियार मिलेंगे। पाकिस्तान को टैंक, मिसाइल से लेकर एंटी एयरक्राफ्ट गन मिलने वाला है। लेकिन पाकिस्तान को इस समझौते के लिए एक बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। चीन से हथियार खरीदने के लिए इमरान खान को क्या गिरवी रखना पड़ा है, यह हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि वो कौन से हथियार हैं जिसे चीन सुपारी किलर बनाकर पाकिस्तान को सौंपने जा रहा है। भारत की टैंक रेजिमेंट के सामने दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत कांपने लगती है। हिंदुस्तान के जवानों ने इसी भीमकाय मशीनों के दम पर पाकिस्तान को हर जंग में मात दी है। पाकिस्तान ने सबसे पहले चीन से भारतीय टैंकों का जवाब मांगा। जब टैंक की मदद के लिए पाकिस्तान ने चीन के आगे हाथ फैलाए, खासतौर पर इमरान खान जब शी जिनपिंग के आगे गिड़गड़ाए कि उन्हें नए टैंक चाहिए, तो शी जिनपिंग ने इमरान खान से वादा किया कि उन्हें वो टैंक तो नहीं देंगे, लेकिन जो टैंक पाकिस्तान के पास मौजूद हैं उन्हें ये और ज़्यादा शक्तिशाली बनाएंगे। पाकिस्तान के इन टैंकों में और ज़्यादा ताकतवर इंजन लगवाएंगे, हैवी गन लगवाएंगे और ख़ासतौर पर पाकिस्तान के पास मौजूद इस अल खालिद टैंक को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके देंगे। पाकिस्तान के पास ले देकर एक यही टैंक है जिसमें चीन और पाकिस्तान को भारत का जवाब दिखता है। अल खालिद टैंक को पाकिस्तान ने चीन की मदद से 1990 में तैयार किया था, लेकिन इसका मौजूदा ढांचा भारत के भीष्म के आगे कहीं नहीं टिकता, लिहाजा चीन की मदद से इसे आधुनिक रूप दिया जाएगा। पाकिस्तान के लिए चीन अल खालिद वन टैंक तैयार कर रहा है। 110 टैंक चीन की एक कंपनी तैयार करेगी। हर साल 22 टैंक बनाने का लक्ष्य तैयार किया गया है। अल खालिद टू टैंक के लिए चीन शक्तिशाली इंजन पाकिस्तान को देगा। पाकिस्तान के 90 T-85 टैंकों का आधुनिकीकरण किया जाएगा, साथ ही 360 मेन बैटल टैंक VT-4 खरीदने की भी बात चल रही है।
BT-4 टैंक चीन की सेना का एक अहम टैंक है। इसे चीन की तीसरी पीढ़ी का टैंक कहा जाता है। इसे MBT-3000 नाम से भी जाना जाता है। इसे चीन ने 2009 में तैयार किया था। पाकिस्तान को आज भी 2019 में हुई बालाकोट एयर स्ट्राइक का खौफ सताता है, जब भारतीय लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी कैंपों के चीथड़े उड़ा दिए थे। इससे सहमा पाकिस्तान अब चीन से एंटी एयरक्राफ्ट गन खरीदने की फिराक में है। पाकिस्तान ने चीन से एंटी एयरक्राफ्ट गन खरीदने का समझौता किया है, जिसके तहत 12.7 mm की 750 एंटी एयरक्राफ्ट गन खरीदी जाएंगी। पाकिस्तान चीन से इस गन की तकनीक भी खरीदेगा। इसके अलावा पाकिस्तान चीन से 155/52 कैलिबर माउंटेड गन सिस्टम भी खरीदने वाला है। वहीं पाकिस्तानी फौज की SH-15 तोपों को आधुनिक घातक रूप देने की तैयारी है। ये सब कुछ बस इसलिए ताकि वक्त पड़ने पर पहाड़ी इलाकों में हिंदुस्तान की सेना को चुनौती दी जा सके। लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल रहा है, जंग हथियारों के दम पर नहीं बुलंद हौसलों से जीती जाती है, और बुलंद हौसलों का जन्म होता है स्वाभिमान और गर्व से। लेकिन पाकिस्तान तो इसका मतलब ही नहीं जानता, क्योंकि इमरान खान ने पाकिस्तान के स्वाभिमान को शी जिनपिंग के बूटों तले रख दिया है। चीन ने पाकिस्तान के लिए अपने खजाने का मुंह खोल दिया है। अरबों करोड़ों रुपए मदद के तौर पर हथियारों के लिए चीन दरअसल पाकिस्तान को दे रहा है। लेकिन चीन जो है वो बहुत ही चालाक व्यापारी है। अपने पैसों को कैसे वसूलें ये चीन बखूबी जानता है। कर्ज लेकर गुलाम बनाने की जो फितरत है वो चीन की बहुत पहले से रही है। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इन सब के बीच पैसे लेकर खुद ही अपने देश को गिरवी रख रहे हैं। चीन ने पाकिस्तान की मदद के लिए जो मसौदा तैयार किया है, इसके लिए शी जिनपिंग ने उसी अधिकारों का प्रयोग किया है जो वो अपने तिब्बत जैसे प्रांतों की मदद के लिए करते हैं। ये पूरी दुनिया जानती है कि चीन ने तिब्बत पर जबरन कब्जा कर रखा है, यानी चीन के दस्तावेजों में ही सही, अब पाकिस्तान चीन का एक प्रांत है। अब इमरान इस बात को समझते हैं या समझते हुए भी नासमझ बने हुए हैं, ये तो वही जाने। लेकिन इतना तय है कि इमरान खान ने अपने देश को चीन के हाथों बेच दिया है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक चलती कार में आग लगने के बाद उसमें सवार दो लोगों की जान बाल बाल बच गई। कार की अगली सीट के नीचे से अचानक आग की लपटें उठती देखकर ड्राइवर ने कार बीच सड़क पर ही रोक दी, जिसके बाद वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने बहादुरी दिखाते हुए कार को जलने से बचा लिया। बताया गया कि पुलिस ने कार में सवार लोगों को भी जल्दी से नीचे उतारा और फिर आग बुझाने में जुट गए। उन्होंने आसपास की दुकानों और मकानों से पानी लाकर आग बुझाई। इसके बाद उन्होंने कार को धक्का देकर उसे सड़क के किनारे पहुंचाया, ताकि बीच सड़क पर उस कार की वजह से दूसरे लोगों को परेशानी ना हो। जापान की राजधानी टोक्यो में कुछ लोगों ने हांगकांग के समर्थन में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी हांगकांग को आजाद करवाने की मांग करते हुए एक रेलवे स्टेशन के बाहर इकट्ठा हुए और अपने मोबाइल फोन की लाइटें जलाकर उन्होंने चीन का विरोध किया। कोरोना की वजह से एक दूसरे से दूरी बनाकर खड़े प्रदर्शनकारियों के हाथों में कई पोस्टर भी नजर आए। इन पोस्टरों के जरिए उन्होंने हांगकांग का समर्थन किया और साथ ही नारे भी लगाए। प्रदर्शनकारियों ने हांगकांग में जारी तनाव को दुनिया के लिए संकट बताया। इसके अलावा उन्होंने इस मुद्दे पर जापान सरकार की नीतियों पर भी सवाल खड़े किए। यूरोपीय देश बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में लाखों लोगों ने राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति चुनाव में धांधली के आरोप लगने के बाद से ही वहां प्रदर्शन हो रहे हैं। और इसी मुद्दे पर राजधानी मिन्स्क की सड़कों पर लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। राष्ट्रपति का विरोध करने के लिए सभी इलाकों में लोग सड़कों पर उतर आए।
हाथों में कई पोस्टर और कई बैनर लेकर लोगों ने राष्ट्रपति के इस्तीफे और देश में दोबारा चुनाव करवाने की मांग की। उन्होंने हाल ही में प्रदर्शन के समय पुलिस की हिंसक कार्रवाई की घटना पर भी आपत्ति जाहिर की। हजारों लोग अपने देश के झंडे के साथ भी दिखाई दिए। इस बीच पूरे शहर में बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी तैनात किए गए थे ताकि प्रदर्शन के समय कोई हंगामा ना हो। वहीं कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने कंटीले तार भी लगा रखे थे। उत्तराखंड के नैनीताल में एक गुलदार ने एक घर में घुसकर कुत्ते पर हमला कर दिया। बताया गया कि एक महीने में गुलदार का ये तीसरा हमला था, जिसमें उसने घर में घुसकर एक कुत्ते को शिकार बनाने की कोशिश की। इस घटना की तस्वीर घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें वो गुलदार सीढ़ियों की मदद से एक घर की छत पर चढ़ गया और कुत्ते को दबोचने के लिए दौड़ दिया, लेकिन कुत्ता अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ घर में घुस गया। गुलदार की भनक लगते ही घर के लोग उसे भगाने के लिए घर के दरवाजे पर पहुंच गए, लेकिन शिकार के इंतजार में छिपकर बैठा गुलदार एक बार फिर कुत्ते पर हमले की नीयत से सामने आया, लेकिन कामयाब न हो सका। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग को बुझाने में लगे दमकल कर्मियों को मौसम के बदलने से बड़ी राहत मिली। इस आग ने करीब 2700 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका जलाकर राख कर दिया है, लेकिन अब इसे बुझाने का काम तेज कर दिया गया है क्योंकि वहां गर्म हवाएं चलनी बंद हो गई। सामने आई तस्वीरों में कुछ दमकल कर्मी जंगलों में घुसकर पिछले कई हफ्तों से धधक रहे जंगलों पर पानी की बौछार करते दिखे। इस आग ने जंगलों के साथ ही उसके आसपास के कई रिहायशी इलाकों को भी राख के ढेर में बदल दिया। कई मकान, सामान और गाड़ियां इस आग की चपेट में आ गई। हर तरफ सिर्फ तबाही के मंजर दिखाई दिए। जंगल की आग पर काबू पाने के लिए वहां फायर ब्रिगेड की कई टीमें अपनी पूरी ताकत झोंकती नजर आई। स्ट्राइक टीम इज असाइंड अप हियर टू असिस्ट द सिटिजंस इन द एरिया। वहां की सरकार ने जंगल में फैल रही आग के लिए गर्म हवाओं और बिजली गिरने की घटनाओं को जिम्मेदार बताया था, लेकिन अब जब मौसम ने करवट ली है तो उम्मीद जताई जा रही है कि आग पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। अमेरिका में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को मंजूरी मिल गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को अनुमति दे दी। नेपाल के पीएम ओली और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष प्रचंड के बीच सुलह करवाने के लिए बनाई गई समिति ने दोनों को विवाद कम करने के लिए सुझाव दिए। मैं हूं किशोर रजवाणी, आज की ताजा खबर जारी है।